क्या एक शोरगुल करने वाला पड़ोसी आपको परेशान नहीं करता? या अपने पूर्व प्रेमी से बार बार आपका सामना होना? हम सभी को एक निजी दायरा चाहिए होता है, पर अक्सर हमें ये पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता। क्या आप नहीं चाहते कि विश्व और बड़ा होता? वो कैसा दिखता? क्या उसके साथ बाकी चीजें भी बड़ी होती? क्या इंसान भी बहुत बड़े हो जाएंगे? आपकी जिंदगी कितनी अलग हो जाएगी? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर पृथ्वी का आकार दुगना हो जाए। ये सब गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। ये वो प्राकृतिक तथ्य है जो वजन वाली सभी चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचता है। यही कारण है कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है, हम जहाँ हैं वहीं खड़े रहते हैं। मान लेते हैं कि पृथ्वी का आकार बढ़ने पर उसका घनत्व स्थिर रहेगा। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर हर चीज का आकार उसके द्वारा अभी ली जाने वाली जगह के अनुपात में बढ़ेगा। इसे आसान तरीके से देखें तो शिफ्ट क्लिक ड्रैग, काफी बढ़िया है ना? दुर्भाग्यवश बड़ा हमेशा बेहतर नहीं होता। अगर आप विश्व के आकार में दुगना हो जाने पर एक बड़े घर या बड़ी गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं तो असलियत इससे पूरी तरह उलट होगी। पृथ्वी के आकार में दुगना होने पर उसका भार 8 गुना ज्यादा होगा और गुरुत्वाकर्षण दुगनी मजबूत हो जाएगी। आपका तराजू आपकी अपेक्षा से दुगना वजन दिखाएगा, क्योंकि वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना गुरुत्वाकर्षण आपको खींच रहा है। आप जितना भी वजन कम करने की कोशिश करें, अब आप सच में विश्व को अपनी दिक्कतों के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। सहनशीलता में अचानक कमी महसूस करने के अलावा आपकी नजर भी कमजोर होगी। आपके दिमाग पर बढ़ा हुआ दबाव आपकी आंखों की पुतलियों का आकार बदल देगा और उनकी कार्य क्षमता में बाधा डालेगा। आपकी संभावित आयु भी लगभग जरूर कम होगी, क्योंकि बढ़ा हुआ गुरुत्वाकर्षणीय बल आपके आंतरिक अंगों और जरूरी तरल पदार्थों को खींचेगा। उदाहरण के लिए, आपके हृदय को आपके दिमाग सहित आपके ऊपरी शरीर में खून पहुंचाने के लिए दुगनी मेहनत करनी होगी। पेड़ और पौधे अपने वजन के कारण ही गिर जाएंगे, फसलें भी जिन पर हम निर्भर हैं। ऐसा सही नहीं होगा, क्योंकि हमें अचानक ही अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा की खपत के लिए दुगना खाना होगा। इसके नतीजे में होने वाली खाने की तंगी में कई लोग मर जाएंगे और सबसे ताकतवर लोग ही चलने लायक होंगे। असल में कई जानवरों को भी इस दुर्भाग्य का सामना करना होगा। बड़े जीव ताकत की भारी कमी से जूझ रहे होंगे। वे छोटे शिकारों पर अपनी तेजी के फायदे को खो देंगे और माइग्रेशन के दौरान लंबी दूरी तय करने में दिक्कत महसूस करेंगे। समय के साथ प्रकृति इन बदलावों से जूझने के लिए तैयार हो सकती है। इंसानों और जानवरों के बढ़े हुए वजन को सहारा देने के लिए उनकी हड्डियां सामान्य रूप से बढ़ने लगेंगी, पर हमारे शरीर बढ़े हुए दबाव के कारण सिकुड़ने लगेंगे। वनस्पतियां भी विकसित होंगी, वो पानी और जरूरी पोषक तत्वों को भेजने के लिए उसमें लगने वाली ऊर्जा को कम करने के लिए सिकुड़ेंगी। अगर पृथ्वी आकार में दुगनी होती है तो उसका एक संभावित फायदा ये होगा कि सारा विश्व काफी गर्म हो जाएगा। पृथ्वी का भीतरी भाग बड़ा होगा और उसके क्रस्ट में ज्यादा अस्थिर तत्व होंगे, जो इसकी सतह पर ज्यादा गर्मी पहुंचने देंगे। यहां सबसे बड़ी दिक्कत ज्वालामुखीय घटनाओं में तेज बढ़त होगी, जो कि ठीक है अगर आपको मोर्डोर में रहना सही लगता है तो। सौभाग्य से ये एक छोटा सा विश्व है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम बड़े सपने नहीं देख सकते। तो आपका क्या सपना है? आप किस तरीके से विश्व के परिदृश्य की कल्पना करते हैं? हमें नीचे कमेंट करके बताएं, हम उस पर एक कोशिश